Bruh. और बताओ शादी के बाद कैसी चल रही है जिंदगी? जिंदगी तो मेरी बहुत अच्छी चल रही है ब्रो। नोरी का काफी अच्छी वाइफ है, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे भी शादी के पहले पहले रीना काफी अच्छी लगती थी। मेरा भी ख्याल कुछ तुम ही जैसा था, पर बाद में कुछ और ही पता चला। ब्रो मुझे लगता है तुम दोनों में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। आई थिंक तुम्हें रीना से खुल के बात करनी चाहिए। और मुझे रीना कुछ खराब नहीं लगती। रीना खराब नहीं है, सब गड़बड़ हुआ उस टाकियों के आने की वजह से। टाकियों? अच्छा वो लड़का इतना भी बुरा नहीं है। मुझे तो वो काफी मासूम सा लगा। इनफैक्ट उसने हम लोगों को एक गिफ्ट भी दिया है, मुझे अभी भी याद है। इस दुनिया के सबसे सुंदर एंड खुशकिस्मत कपल के लिए मेरा ये तोहफा हाजिर है। अरे इसकी क्या जरूरत थी, शुक्रिया। तुम्हारा नाम? अरे तुम तो ताके हो ना रीना के दोस्त। शुक्रिया शुक्रिया। मोस्ट वेलकम मोहतरमा, मेरा गिफ्ट खोलिए ना। अभी खोलू? अच्छा ठीक है खोलती हूँ। पर इसमें है क्या, काफी भारी लगता है, खोलती हूँ। What the hell is even that? ये क्या चीज है? ऐसे नहीं पूछते नोरिका, गिफ्ट है और क्या हो सकता है। क्यों, कैसा लगा, पसंद आया? मैंने ये दो रात जाग के बनाया है, वो भी कच्ची मिट्टी से। इट इज ओनली मेड बाई टाकियो माई सेल्फ। वाह ब्रो, तुम तो काफी क्रिएटिव एंड टैलेंटेड हो। शुक्रिया बहुत बहुत। हाँ स्टीव ने ठीक कहा, तुम बहुत टैलेंटेड हो, मैं इसे अपने शोकेस में सजा कर रखूंगी। शुक्रिया है आपको पसंद आया, मुझे लगा था आपको पसंद नहीं आएगा। थैंक यू। सच में ऐसा हुआ था? लॉल मुझे वो मूर्ति कभी दिखाना। हाँ जरूर जरूर। खैर अभी मैं चलता हूँ, वैसे भी टेबल पर बैठे बैठे पिछवाड़ा दर्द करने लगा है। नोरी का भी वेट कर रही होगी, चलता हूँ मैं। सोफा रहते टेबल पर बैठोगे तो पिछवाड़ा दर्द तो करेगा ही। बात ऐसी है कि आपको नए नए शादी का नशा चढ़ा है, जाइए आपकी बीवी वेट कर रही होगी। यार फेसबुक पे आजकल कोई मेरी न्यू फ्रेंड भी नहीं बनती है, यार मैं तो अकेला पड़ गया हूँ बिल्कुल। एक सेकेंड, ये प्रोफाइल, ये तो उसी लड़की की है ना जो मुझे रीना की दीदी के शादी में मिली थी, का नाम शायद कारण था। मुझे इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना चाहिए, अभी भेजता हूँ। अरे ये तो उसी लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया है जो मुझे शादी में मिला था। इतनी जल्दी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लिया? ये इतने मजे से किससे चैट कर रही? ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, आज तक कोई लड़की मुझे याद नहीं करी, उसको मैं याद हूँ। ओह या, ओह या। A few moments later. Hey Karen, क्यों ना हम दोनों अब इतने अच्छे दोस्त जब बन गए तो एक दिन मिल ले, मतलब हम दोनों एक दूसरे को और अच्छी तरह से जान लेंगे और एक छोटी मोटी डेट भी। डेट? तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब डेट, कल का डेट बहुत अच्छा है, सो क्यों ना कल ही हम मिलते हैं, हम थोड़ा सा घूम फिर भी लेंगे, अच्छा प्लान है ना? हाँ अच्छा आइडिया है, कल मिलते हैं फिर अम्यूजमेंट पार्क में। ओ भाई लगता है इसको भी मेरे ऊपर इंटरेस्ट है। ओ शिट यार, मैं थोड़ी सी लेट हो गई, पता नहीं वो कब से इंतजार कर रहा होगा।
अरे वो रहा शायद वो। हाय मैं आ गई। हे हे हे, शुक्रिया आने के लिए। तुम काफी सुंदर लग रही हो। ये और ऊपर। ज्यादा ऊपर ना करो, कहीं इतनी भरी जवानी में हमेशा के लिए ऊपर ना चले जाए। उफ, ताकि डरो मत, तो मजा आएगा। ओके। चलते हैं, मुझे इस भालू को देखने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। क्या बोरिंग सा डांस कर रहे हैं ये लोग। मुझे भी बोरिंग लग रहा था, पर मुझे लगा लड़कियों को भालू पसंद है, ऐसे टेडी बियर, तो मुझे लगा तुम्हें पसंद आ रहा होगा। तुम्हारा और मेरा काफी चीज मैच करता है। अरे ये भालू मुझे हंसने को क्यों मना कर रहा है? मेरी मर्जी, मेरा मुंह में कहीं भी हंसू। मजा। तुम्हारे पास पैसे हैं थोड़े से? मैं तो और नहीं लाई यार, सारे के सारे पैसे तो राइड्स में खत्म हो गए। ये मीठा ही बहुत टेस्ट लग रहा है ना, भूख लगी है। लग तो मुझे भी रही है, पर कुछ नहीं कर सकते, पॉकेट खाली है। कितना सुंदर नजारा है ना इधर ऊपर से। हाँ, स्पेशली तब जब तुम्हारी तरह एक अप्सरा मेरे बाजू में खड़ी हो। मैंने बहुत बार नोटिस किया है तुम्हारी हंसी थोड़ी सी अजीब है ना, मुझे पता है, बचपन से। क्या कर सकता हूँ। नहीं अजीब नहीं, काफी क्यूट है, मुझे पसंद है, काफी फनी भी है। शुक्रिया, वैसे आज मुझे बहुत मजा आया, कल फिर मिले। हाँ जरूर, मुझे भी काफी मजा आया। अरे ताकि मैं बता रही हूँ ना, मैं अकेले घर जा सकती हूँ। तुम अब क्या मेरे घर तक आ जाओगे? इट्स ओके, मैं जा सकती हूँ इधर से। मेरी बेटी इतनी रात को इस लड़के के साथ घर वापस आ रही है। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। चलो बाय, गुड नाइट। आज तो मैं कारण को अपनी दिल की बात बता ही दूंगा, उसे मैं फूल दे के बताऊंगा। अरे फूलों की महंगाई इतनी बढ़ गई है, 500 एक फूल के, 201 तो इतनी महंगाई यार। 2 साल पहले तो फूलों के दम 10 रुपए थे, मैं तो 10 रुपए लेके आया था। यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है। सुनो, क्या तुम्हारे पास 10 रुपए वाला कुछ है, या फिर तुम चाहो तो मुझे फ्री का भी दे सकती हो, आखिर मैं इतना हैंडसम जो हूँ। नहीं सर, हमारे पास 10 रुपए का कुछ नहीं है, लेकिन ये बैग फ्री सैंपल आप चाहे तो रख सकते हैं। हाँ चलो दे ही दो, वैसे मैं फ्री के चीजों को मना नहीं करता। यार अब मैं कारण को कैसे अपने दिल की बात बताऊंगा, बिना कुछ हाथ में लेके ऐसे ही बता दूंगा, यार ये तो ठीक नहीं लगेगा। पर अरे वो सामने मशरूम ही है ना, इधर मैंने इतने सारे मशरूम पहले नहीं देखे। आइडिया, अरे वाह कितने सारे मशरूम्स हैं, और मैंने ऐसे मशरूम्स पहले कभी नहीं देखे, ये बहुत खूबसूरत है। और अगर मैं ये कारण को दूंगा तो कारण बहुत खुश हो जाएगी, मुझे ऐसे ही मशरूम्स कलेक्ट करने चाहिए। अरे ये मशरूम तो उन सारे मशरूम से बहुत अलग है, बहुत खूबसूरत है, इसी से ही मैं कारण को प्रपोज करूंगा। हाँ हाय कारण, तुम आ गई, आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। शायद वो सुन के तुम थोड़ी मुझ पे गुस्सा होगी, पर मुझे मेरी दिल की बात बताना ही होगा। तो कारण, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तो मुझे बहुत पसंद आ गई थी,
और तुम ऐसी पहली लड़की हो जो मुझे इतना ज्यादा समझती हो। प्लीज मेरा ये मशरूम तोहफा कबूल करो और मेरी जीवन साथी बन जाओ। मैं वो क्या कहूँ, मैं अरे तुम ठीक तो हो ना, ये क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मैं बनूंगी। वाह टाटो, ये सारे मशरूम तुमने ही खरीदे? इतने सारे मशरूम खरीदे तुमने मेरे लिए? तुम कितने अच्छे हो, स्वीट भी हो। थैंक यू। अरे ये तो मेरा पर्स था। वैसे टाकियो, क्या मैं पूछ सकती हूँ ये सारे मशरूम्स तुमने कहाँ से खरीदे? क्यों मैंने ये तो बहुत दूर से जाके खरीदा है, तुम उस दुकान का नाम नहीं पहचानोगी। अच्छा ये बात है, एक्चुअली मैंने ना ऐसे मशरूम्स कभी देखे नहीं है, ना ही खाए है। ये थोड़े अलग टेस्ट पे है पर अच्छे है। 2000 years later. ओ भाई ये कब हुआ? टाकियो और कारण, मुझे तो ये नहीं पता था। वैसे मेरे लिए अच्छा है, अब ये लड़की मेरे पति के पीछे नहीं पड़ेगी। चलो केंटा, आज हम इधर नहीं घूमते, आज कहीं और चलते, हम इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलो मेरा रास्ता तो क्लियर हो रहा है। कारण, तुम क्या कर रहे हो इस लड़की के साथ? चलो घर चलो चुपचाप। पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए, अभी मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे अपने डिसीजंस खुद लेने दीजिए प्लीज। अभी मैं नौकरी करती हूँ, इतना तो मुझे करने ही दीजिए ना प्लीज। पापा आप मुझे लेके मत जाइए, मैं इसे प्यार करती हूँ। अच्छा तो ये लड़का क्या करता है? वो अंकल मैं प्लीज उसे छोड़ दीजिए, मैं एक्चुअली वो क्या काम करता हूँ वो ना